यदि एक सखी से अधिक प्यार करे किशोरी जी दूसरे से कम तो वहां भी कलह मच जाता। तो रघुनाथ दास जी कहते हैं कदा तुम सर्व दिशा वीक्ष्य, कब आप सभी जगह देख कर छिप करके सब जगह देखेंगे जहां कोई ना हो। कदाचित केनापि अनभिज्ञ, जो वस्तु आप हमें देने जा रही हैं उसको शायद कोई देख न ले इसलिए छिप करके पश्यत् इति कृत्वा, अपने दृष्टि को चारों तरफ निक्षेप करके दिशा आशा दृष्टवा स्नेहात स्नेह पूर्वक स्वमुखात सन्मुखे समय, अपने मुख में रखी हुई जो पान है तांबूल है उसको निकाल करके जो निकाले तांबूल चर्वितम प्रदाशे से अपना तांबूल जो चर्वित चांबूल तांबूल है उसको कब आप मुझे मेरे मुख में देंगे। वहां पर सभी प्रकार की सखियां रहती हैं किशोरी जी के सामने, सुपक्षा दुपक्षा तटस्था सूर्यपक्षा उज्ज्वल नीलमणि में सखियों की बहुत प्रकार है। गर्ग संहिता में 36 प्रकार का वर्णन किए हुए गया, कोई साधन सिद्धा है कोई स्वयं सिद्धा है कोई दंडकारण्य की ऋषियां ऋषि हैं कोई जनकपुर की मिथिलानिया हैं, अनेक प्रकार की सखियां हैं वहां पर। और जो निजी सखी है मंजरिया हैं तो वे लोग वो विशिष्ट सेवा के अधिकारी हैं, तो उन लोगों को यदि कदाचित उन लोगों के सामने दिया जाए तो उसमें डाह पैदा हो जाए। उसी समय इस श्लोक कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा समय कब आएगा, कदा तुम सर्व दिशा वीक्ष्य, ऐसा सभी जगह होता है, हर द्वार में भी होता है, सभी जगह होता है। गुरु शिष्य के साथ हजारों शिष्यों के साथ गुरु जी रहते हैं, कोई अधिकारी शिष्य को कुछ वस्तु दे दे तो दाह होगा, उसको क्यों दिए उसको क्यों नहीं दिए, ये सब होता है। तो कदा तम सर्व दिशा वीक्ष्य, कब आप सब तरह दिशो अवलोक्य, सभी दिशाओं में देख के लिए कोई है तो नहीं, आप उस स्थिति में अपने मुंह से निकाल करके एक पान तांबूल तांबूल सेवा किसकी है, ललिता सखी ललिता जी की एक मुख्य सेवा है तांबूल सेवा। निकुंज में 3 सेवा मुख्य है, बीरी बसंत चार है ना, बीरी बसंत सुगंध और आरस चार सेवा है, उसमें मुख्य सेवा है बीरी सेवा, पान सेवा। खास करके गौड़ीय वैष्णव साधक को हृदय में जब राधा दास उत्पन्न नहीं होता है तब इस रस में आने का अधिकारी नहीं। गौड़ीय वैष्णव कृष्ण भक्त नहीं, राधा भक्त, राधा रानी राधा दास है। तो जब गुरु जी जब उसको देते हैं राधा दासी पर मंजरी भाव देते हैं, जब तक अपने स्वामी के प्रति उसको प्रेम नहीं होगा और जब तक यह अपेक्षा नहीं रहेगा कि मैं केवल किशोरी जी की हूं, तो उसके द्वारा साधना नहीं बनती, वो भजन नहीं कर पाते। श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में लिखते हैं राधा मंजरिया सबकी इच्छा को छोड़ देती है, कृष्ण की आराधना की भी इच्छा छोड़ देती है, जिस सर्व नैरपेक्ष। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं
जो सभी आराधना पूजन को छोड़ दे, आराधा दासे छवह परम, एक ही आराधना, एक ही इच्छा कि मैं केवल किशोरी जी की दासी और किसी की नहीं। और इस भाव से कोई साधक एकांत में बैठ करके भगवान नाम का आश्रय लेता है, संकीर्तयन तन नामम तादृश प्रिय बताते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं तब उसकी जो इच्छा है, इच्छा है वह प्राप्त होती है। हम लोग भजन करते हैं, भजन के बदले में संसारी कामना भी मांगते, दासता तो छोड़िए, रोटी दाल नमक पान ये भी ले लेते, यहाँ तक कि साक्षात श्री कृष्ण भी आए और आकर के कहे कि हम तुम पर प्रसन्न है, तुम जो चाहो ले। तो राजा मंजरिया कहते ना, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, केवल एक ही उत्कट अभिलाषा है, जे सर्व नैरपेक्षणम राधा दासे सबह परम, एक ही मुख्य अभिलाषा रखी है, रहती है कि मैं केवल किशोरी जी की दासी हूँ, सखी हूँ। और इस भाव से बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करता है तो तादृश प्रिय ताम गया, तब उसकी इच्छा प्राप्त हो जाए। मैं राधा रानी की दासी हूँ यह अभिमान रखते ही उसकी समस्त अभिलाषा पूरा हो जाती है। ये आचार्यों की है, श्री नाम संकीर्तन इसमें प्रधान है। भागवत धर्म की सबसे मुख्य साधना है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन को शास्त्रों में लिखा गया है साधन सम्राट। भगवत प्राप्ति के बहुत से उपाय शास्त्रों में है, उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो वही संकीर्तयन तद नाम, इस भाव में लिप्त होकर के, ऐसी भाव में रह करके तब भगवान नाम संकीर्तन करे, तब वह असाधारण परम महासाधन जो प्रेम है, रास रक्षित जो भगवान नाम संकीर्तन है, उसको प्राप्त कर देता है और प्राप्त करके उस वस्तु को प्राप्त कर देता है। यहाँ पर तुलसी के मन प्राण को संतुष्ट करने वाली सेवा मिली है। कल की सेवा क्या थी? तो प्रिया जी का जो भीम हार, गले की हार टूट गई है और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आदेश देती हैं लेकिन वो करने में असमर्थ हैं। उस समय तुलसी मंजरी को आदेश देती हैं कि तुम एक काम करो, जब तुलसी मंजरी की तो प्रिया जी प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर सोची किसको कुछ उपहार देना चाहिए, इतनी बड़ी सेवा की है इसको क्या दे। तो जो ललिता आदि सखियां प्रिया जी के मुखमंडल में पान देती है तांबूल। देखिए तांबूल सेवा की भी तीन प्रक्रिया है, 64 सखी मिलकर के पान लाती हैं ललिता सखी के हाथ में देती है और ललिता सखी फिर उसका निरीक्षण करती है। वो पान दिया जाता है प्रिया जी और प्रिया जी उस पान को देती हैं प्यारे श्याम सुंदर, फिर प्यारे श्याम सुंदर उस पान को देते हैं प्रिया जी, प्यारे श्याम सुंदर उस पान को चरवण करके फिर उस पान को देते हैं प्रिया जी को, और प्रिया जी फिर प्रसन्न होकर के उस पान को देती हैं मंजरी विशेष, और फिर वो मंजरियां यदि चाहे तो बांट देती है प्रिया जी का। तो स्वामी जी तो डायरेक्ट आज देनी है तुलसी मंजरी को, अधिकार है ललिता सखी का उस पर, और ललिता सखी फिर मंजरियों को बांटेगी। लेकिन प्रिया जी आज तुलसी मंजरी पर अतिशय प्रसन्न होकर के डायरेक्ट उस पान चरणित को देना है, तो कैसे देती हैं? तो सभी तरफ देखती हैं, ललिता आदि सखियों को देख रही हैं कि कहीं ये देख न ले, और तुलसी मंजरी भी बहुत कि हमको डायरेक्ट ये सेवा मिलेगी, ये उपहार मिलेगा, तो उसको भी तो शर्म आएगी कि डायरेक्ट मुझको मिल गया, उसको भी शर्म आएगी, इसलिए वह सोच करके चारों तरफ स्वामी जी देखती हैं कहीं वह देख न दे। जिसको खाने मात्र से ही महाराज महाभाव की प्राप्ति हो जाती है वो प्रिया जी की। श्री गौरांग महाप्रभु इस रस का स्वादन गंभीरा में किए हैं। प्रिया जी के मुख से निकली हुई जो तांबूल है वो तांबूल प्राप्त होता है प्यारे श्याम सुंदर के श्री मुख से,
कहते हैं कि नागर सुन तुम्हार अधर चरित्र, अधरासव का तुम अपना चरित्र सुन। ये अधर चरित्र क्या है तो राधा रानी कहती है, राधा भाव विभावित श्री गौरांग महाप्रभु प्यारे श्याम सुंदर के श्री मुख से निकले हुए तांबुल रस का स्वादन करके कहते हैं, नागर सुन तुम्हार अधर चरित्र, माताय नारीर मन। ये अधरासव क्या करता है तो नारियों के मन को मतवाला बना देता है। आ एक बार जो उस अधरासव का पान कर लेता है तो जिह्वा करे आकर्षण, और उसका जीव इधर उधर मन नहीं है। जो एक बार कृष्ण अधरामृत का पान कर लिया अब उसका मन संसार का कोई भी रस उसको आकर्षण नहीं कर सकता। अब खास कर पूछा जाए तो पूरा उनके अधरासों का ही प्रभाव है कि उस संसार से ऊपर उठ जाते, अब उसका संसार में कहीं नहीं मन। अरे स्त्री के चित्त को आकृष्ट करे, स्त्री के जीव के चित्त को आकृष्ट करे, इसकी तो बात दूर है। पुरुष करे आकर्षण, उस कृष्ण अधरासव को पार करके पुरुष भी पुरुषों को भी आकर्षण करता है। ये पुरुष कौन है, बंसी स्त्री है कि पुरुष है, मांस कौन जाता है, स्त्री है ना, स्त्री है ना, पुरुष है। आप लोग कर लीजिए क्या स्त्री है कि पुरुष है, पुरुष है ना, पुरुष है। पुरुष करे आकर्षण, उस बंसी को भी आकर्षित कर लेता है। खास करके निकुंज में ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, सब क्या है, मंजरिया है। राधा पद दास श्री गौरांग महाप्रभु स्त्री हैं कि पुरुष हैं, मिलित दोनों। हरिवंश जी दोनों सब स्त्री है, एक ही पुरुष है श्री कृष्ण। खास करके चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में पुरुष भाव में रहते थे, कृष्ण भाव में, और जगन्नाथपुरी में राधा भाव में रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में श्री गौरांग महाप्रभु राधा रानी पियाई थे, उनको भी मन करता है, पुरुष को भी मन आकर्षण करता है। दूसरी इच्छा भी होता है तो उसको इच्छा मार डालते, अर्थात एक बार कृष्ण अधरासव का कोई पान कर ले तो चाहने के बाद भी उसका अन्य विषय में मन नहीं लगे, ऐसा कृष्ण की अधरासव है। यहां तक कि गौरांग महाप्रभु कहते हैं अचेतन को चेतन करता है और चेतन को अचेतन कर देता है, विपरीत उल्टा काम करता है कृष्ण का अधरासव। कृष्ण का अधरासव जड़ पाले तो चेतन हो जाए, अचेतन पाले तो जड़ हो जाए, हो जाता है ना। वृंदावन में ऐसी स्थिति आ जाती है, चलने वाले सचल हो जाते हैं और अचल सचल हो जाते हैं। हम लोग चित्रकूट गए थे तो देखे कि राघवेंद्र सरकार और भरत जी का जब मिलन हुआ तो जितने जड़ हैं सब चेतन, और चेतन उस लीला को देखकर जड़ हो गया। वहां पर पत्थर जितने पत्थर है पिघल गए, पिघल करके मोम जैसे ऐसे चल गए, जड़ चेतन। उसी तरह श्री कृष्ण का धरासव है, बंसी जब बजती है तो बंसी बजने पर चलने वाली जमुना रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, और वृक्ष पेड़ पौधे जो स्थिर रहते हैं वो महाकृष्ण के साथ चलने लगे, जड़ चेतन चेतन जड़, ऐसी स्थिति हो जाती है। सचेतन रहु दूरे अचेतन सचेतन करे, एक बंसी अधरासव की महिमा कह रहे हैं। तुम्हार अधर बड़ बाजीगर, बाजीगर जानते हैं ना, जादूगर, ये जादू है, चेतन को अचेतन बना देता है, चेतन को चेतन बना देता है। देखो तो सही तुम्हार पेड़ शुष्क धन, तुम्हारा ये बंसी अधरासव क्या करता है, एक बांस में सूखा वो भी बोल वाला
बंसी में भी चेतनता प्राप्त है। बंसी ऐसा काम करता है कि उसमें इंद्रिय मन सब कुछ हो जाता है बंसी, और हम ब्रज गोपियां चेतन होते हुए भी उस बांस की बनी लकड़ी को गाली देती हैं कि हम चेतन को भी अचेतन बनाने वाली बांस की लकड़ी। ये अधर का चरित्र है, ये अधर। केवल श्री कृष्ण का अधरा मृत ही एक ऐसा वस्तु है कि सब को अचेतन कर देता है। और खास करके ये बंसी की बात, अब जो प्यारे श्याम सुंदर अपने तांबूल खाए हैं, कृष्ण जी खाए तांबूल, कहे तार नाही मूल तारे है दम्भ परिकाठी। देखिए वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत अद्भुत ग्रंथ। हम लोग साधारण लोग यदि पढ़ते हैं तो नहीं समझ, जो बड़े बड़े विद्वान लोग चैतन्य चरितामृत समझते हैं, तो गौड़ीय आचार्यों के जितने ग्रंथ हैं, जितने भी रसपर ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, राजीव गोस्वामी, सब ग्रंथों का सार चैतन्य चरितामृत। कुल सौ रस को इकट्ठा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक जगह रखते हैं। कहते हैं कि ये जो कृष्ण जी खाए तांबूल, कहे तार नाही मूल तारे आर दम्भ परिपाटी, तार जीवा उद्गार तारे कहे अमृत सार, गोपी मुख करे आलवार। देखिए एक पूरा उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी पाद का लिखा हो सब रस इसमें डाल दिए, ये अनुभूति है। अधरामृत निज स्वरे संसारिया सही बोले आकर्षय त्रिजगते रजन। देखिए जो अधरामृत रूप यहाँ तुलसी मंजरी के मुख में आए, एक ऐसा काम करता है अधरामृत। गोपियां कहती हैं वो अधरामृत का चरित्र, गोपियां कहती हैं श्रीमद् भागवत में, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित बेडुना सुष्ठु चुंडितम् इतर राग विस्मारणम् नृणाम्। और क्या है, बितर वीर न तेधरा तेधरा। हे श्री कृष्ण आपका जो अधरामृत है, ये अधरामृत क्या करता है, तो सुरत वर्धन, सुरत वर्धनम का अर्थ होता है प्रेम को बढ़ाने वाला। एक बार जो अधराशर को पार कर लिया वह बितर राग विस्मारण गया, अब उसका सब कुछ भूल गया। गोपियां कहती हैं प्यारे श्याम सुंदर से, हे प्यारे आप एक बार अपना अधराशर को देख। तो श्री कृष्ण कहते हैं हम क्यों अधराशर तुम लोग, तो कहती हैं हम लोग रोगी हैं दुखी हैं संसार की मारी हुई हैं, एक बार मैं सुनी हूँ कि जो आपके अधराशर पान कर लेता है उसका सब रोग नष्ट हो जाता है, ऐसा हम लोग सुनी, तो आप कृपा करके आप एक बार अपने अधराशर को दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो ये हमारा जो अधराशर है बहुत कीमती है, साधारण लोगों को नहीं मिलता, बहुत क्यों। गोपियां कहती है अरे आप तो भीर हैं, आप दान शिरोमणि हैं, हम लोग सुनी हैं कि सूखे काठ को भी आपको अपना अधराशर देते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ हम दे देते, हमारा जिसको मन करता है उसको दे देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं हम जिसको मन करते, लेकिन उसके साथ कुपथ भी तो मानना पड़ेगा। आयुर्वेदिक दवा जब खाते हैं तो उसमें कुपथ का जब तक परहेज करेंगे नहीं तो दवा काम नहीं करते। तो गोपियां कहती हैं क्या कुपथ करना है, क्या कुपथ है, तो कहते हैं कि विस्मारण वो सब घर गृहस्थी स्त्री बेटा पुत्र की जो आसक्ति है उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ये दवा काम नहीं करेगा। तो गोपियां कहती हैं कि हम लोग यह भी सुनी है कि एक बार जो आपके अधराशर को पार कर लेता है उसको छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है, अब उसको छोड़ना नहीं पड़ता है कि अब घर की याद ही नहीं रहता, संसार का क्या है कुछ भूल जाता है, तो आप अपने अधराशर को हमें दे दीजिए। धरामृत आपका अधरामृत यही है, रति वर्धनम, रति को प्रेम को बढ़ाने वाला है,
मर्दनम सुचा, शोक को नष्ट करने वाला है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये हमारा अधराशव जूठा हो गया है, जूठा वस्तु किसी को देना नहीं चाहिए। मुरली चुंबितम, ये हमारा अधराशव मुरली का जूठा हो गया है, इसलिए अधराशव को मैं किसी को दूंगा नहीं। तो गोपियां कहती हैं, हम लोग यह भी आयुर्वेद शास्त्र में पढ़ी हैं कि यदि किसी को ज्वर हो जाए तो मधुमक्खी का जूठा शहद डाल दिया जाता है। अरे मधुमक्खी क्या है, अरे शहद क्या है, मधुमक्खियों का जूठा है। लेकिन जूठा भी तो डॉक्टर लोग दे देते हैं, इसलिए लब्ध सौभगम। तो भगवान कहते हैं कि ये सौभाग्यशाली जनों को ही मिलता है। तो सौभाग्यशाली जन कौन है, तो विषयांतराग नाशनम, जो विषयों को छोड़ दिया है उसी को कृष्ण रस अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता। जो विषय में भी उन्मत्त है और कृष्ण रस का भी आस्वादन करना चाहता है तो उसको ऐसा मिल नहीं सकता। तो गोपियां कहती हैं, हाँ हाँ हम लोग खूब अच्छे से जानती हैं, मधुर पाय नो धरा मृतम, एक बार अपने अधराशव का जिसको भी पान करा दिए वह व्यक्ति कभी संसार में फंसे नहीं सकते। चाहे भी एक बार कृष्ण के अधराशव का पान कर ले, एक बार कृष्ण नाम का आस्वादन कर ले, तो यदि चाहे कि भी मैं विषय का भोग करूं तो उसके बस की बात नहीं, तो विषय उसके आगे फीका पड़ जाता है। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, न वह प्रियम इति तस्य ममाभीष्टम, न मधुर ज्वर दाह नाशकम सर्वोच्चिष्टम इति हृयते। तो आपका जो अधराश्रव है, अधराश्रव है, अब उसको कोई साधन की जरूरत नहीं। लेकिन उसी तरह एक कृष्ण नाम है, ठाकुर जी का जो नाम है, एक बार जो नाम का रस में आस्वादन करने लगता है, चाहे कि हम विषय का भोग करें उसके बस की बात नहीं, अपने आप उसकी मन बुद्धि इंद्रिय श्री कृष्ण का रस आस्वादन करने लगता है और संसारिक विषय उसके आगे वह सृष्टि थूकने लगता है। उसको आश्चर्य लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर रहा था, ये आपके कृष्ण नामामृत का भय। ऐसा श्रीलर रूप गोस्वामी पाद कहते, परम दुर्लभ ये कृष्ण अधरामृत, तहां जे पाए तार सफल जे। ये कृष्ण का अधरामृत है, जिसको एक बार मिल गया उसका जीवन सफल हो, उसी का जीवन धारण करना है। क्योंकि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का रूप गुण लीला धाम सब अलौकिक वस्तु है, आये सबको मिलने वाला नहीं है। ये कृष्ण माधुर्य प्रेमिक स्वाद, जीव गोस्वामी पाद षड संदर्भ में लिखते हैं कि इस रस का आस्वादन कौन कर सकता है, जिसका एकमात्र निष्ठा श्री कृष्ण के चरण कमल में, संसारिक वस्तुओं में नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम रूप लीला नित्य रूपतन, आज नाम रटिए फिर कल रटिए तो दूसरा आनंद है, रोज नया नया नवम नवम नित्य नित्य रस देने वाला है। हमारे माधुर्य नित्य नव नव है। देखिए श्रीमद् भागवत आज से अनादि काल से लोग पढ़ते जा रहे हैं, साधक रोज पाठ करते हैं, उसी श्लोक को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन नित्य नूतन। न्यूज पेपर आज लाते हैं, कल कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, और मन करता है कि न्यूज पेपर अरे कल का है, कल सुनते फेंक देते हैं। और भागवत है अनादि काल से चल रहा है, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने परीक्षित को दिया, उस समय सुत गोस्वामी, आज तक भागवत रोज साधक पढ़ रहा है, लेकिन उसमें कभी बासी नहीं होता, पता है कभी बासी, नित्य नूतन। साधक लोग रोज नाम रटते हैं, वही एक ही नाम को बार बार रटते हैं, लेकिन एक एक कृष्ण नाम पर रस का स्वादन होता रहता है। तो एक किसको प्राप्त होता है, ये रस प्राप्त किसको होता है, तो कहते हैं जो प्रिया जी के चरण कमल में मन को अनुरक्त लगाया रहता है उसी को ये रस प्राप्त होता है, दूसरे लोगों को प्राप्त नहीं। अर्थात इसमें रस की अनुभूति करना, अपने स्वरूप का चिंतन, अपने स्वरूप के साथ साथ प्रिया जी के स्वरूप का चिंतन करना और बार बार उस रस का स्वादन करना, तब ये अधराशव प्राप्त होता है। कुंज महल में प्रिया जी बैठी है,
देखिए ये अधरासव कृष्ण के अधरासव से करोड़ गुना श्रेष्ठ प्रेम का है। इसको रसिक महापुरुष स्वागत करते हैं। खास करके निकुंज में झगड़ा है, कुछ कुछ महापुरुष सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाते हैं, इसके बाद प्रेम। लेकिन रसिक महापुरुष पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण। देखिए रसिक रसिकों की वाणी, वृंदावन नव निर्मित निकुंज में प्रिया जी बैठी है। देखिए अधरासो किसको दे रही है प्रिया। राजत कुंज महल ठकुराली, नव निर्मित निकुंज, पुष्पों से बहुत सुंदर दिव्य कुंज बना हुआ। देखिए निकुंज में प्रिया जी जब जाती हैं तो पुष्प का ही कान का कुंडल, पुष्प का ही नाक का, पुष्प का ही गला का हार, पुष्प का ही वस्त्र, पुष्प का ही सैया, पुष्प का ही चांबर, पुष्प का ही पंखा, सब कुछ पुष्प का। तो राजत कुंज महल ठकुरानी खूब सुंदर नव निर्मित। आदमी बिहारी जी के पास जाएंगे तो गर्मी में क्यों क्या बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, सब कुछ पुष्प का बने। तो प्रिया जी वहां पर खाएं राजत कुंज महल ठकुरानी। श्री कृष्ण के राधा रानी कभी भी आती है वृंदावन में तो कुंज में बैठ जाती है और प्यारे श्याम सुंदर का इंतजार करती है। और प्रिया जी कृष्ण के पास नहीं जाती, प्यारे श्याम सुंदर आते हैं वहां। तो कुसुम सेज पर प्रिया जी बैठ करके प्यारे श्याम सुंदर का इंतजार कर रहे हैं। कुसुम सेज पर फौड़ी श्यामा राग सुनत मृदुवाणी, प्रिया जी को प्रसन्न करने वाला गीत गा रही हैं सखियां और प्यारी जी बैठ करके कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। सखी मंजरियों की सेवा है, कोई पंखा झेल रही है, कोई सामान डुला रही है, कोई जल की झारी लेकर खड़ी हुई है। और ललिता जी क्या करती हैं तो ललिता चरण पटोलन लाए, ललिता जी चरण सेवा कर रही। अब प्यारे श्याम सुंदर और कुंज रंध्र से इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। देखिए कभी कभी सखियां कुंज रंध्र से देखती हैं, आज प्यारे श्याम सुंदर कुंज रंध्र से देख रहे हैं कुंज में आकर क्या हो रहा है। तो प्यारे श्याम सुंदर कुंज रंध्र में अपना दृष्टि रख करके यह लीला का अवलोकन कर रहे हैं। अष्ट सखियां चारों तरफ से खड़ी होकर अपनी अपनी सेवा लेकर के खड़ी है और ललिता जी प्रिया जी की चरण दबा रहे। ललिता चरण पटोलन लागी लाल दृष्टि ललचा। अब प्यारे श्याम सुंदर कुंज रंध्र से देख करके ललिता जी को इशारा करके कहते हैं पाई परत सजनी के मोहन हित सोहार। प्यारे श्याम सुंदर कह रहे हैं ललिता जी की दृष्टि पड़े तो कहते हैं हे ललिते प्रिया जी अभी शयन कर रही हैं और तुम कृपा करके ये सेवा मुझको दे। बार बार अपने कातर दृष्टि से ललिता के